जय हिंद साथियों, वापस आए हम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हाँ साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हाँ साथियों, बता दें लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, इनको लेकर राजनीतिक पार्टियों में सियासी गर्मी दिखाई दे रही है। जैसे तो मेरी बात करने वाले यात्रा के बारे में, तो राहुल गांधी के साथ देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। जी हाँ साथियों, हम आपको बता दें कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच सामने आए एक और बड़ा प्लान। हाँ साथियों, बरेली के साथ कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच कमलनाथ ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए राहुल गांधी के साथ पार्टी न्याय यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। वह यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने पर 2 मार्च को राहुल गांधी के साथ और 6 मार्च तक वह यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं। कांग्रेस से नाराजगी और बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ जब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बीते दिनों पाला बदलने को लेकर तमाम तरह के कायस लगाए जा रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता दें 2 मार्च को पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश पहुँचने पर राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। बहुत ही सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले और इसको लेकर अब उन्हें एक और बड़ा रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है राजनीतिक पार्टियों में। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ नई यात्रा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगवानी के लिए उत्साहित दिखाई दे रही है। बता दें कि अन्याय अत्याचार और शोषण के खिलाफ हम सबके राहुल गांधी पूरे देश के सड़कों पर उतरकर एक निर्णायक लड़ाई का ऐलान करने वाले हैं। जय हिंद साधु बने के साथ। इससे पहले अगर चैनल पहली बार तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, मिलते अगली वीडियो में।